अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज तौफीक अहमद। आई एम हेयर विद द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान। हम देखेंगे कि किस तरह एक शख्स यानी सर सैयद अहमद खान की जो सर्विसेज थी, उनका जो आइडिया था, वो किस तरह एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया, किस तरह वो मूवमेंट बनी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट से उसने इंडियन सोसाइटी स्पेशली मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुंचाया। सो स्टूडेंट्स, इन दिस शॉर्ट वीडियो वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट इट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस what were the impacts left by Sir Sayyid Ahmed Khan on Indian society, especially the Muslims. Students, जब हम सर सैयद अहमद खान की एजुकेशनल सर्विसेज को देखते हैं, तो उसने जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट या इम्पैक्ट छोड़ा सोसाइटी के ऊपर, वो उसके जो कंटेम्प्रेरी यानी कि उनके हम असर जो बाअसर अफराद थे, उन्होंने भी सर सैयद अहमद खान की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए अपने अपने इलाके के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाना शुरू किए, ताकि जो मुस्लिम्स हैं, जो मुसलमान हैं, इनको जो मॉडर्न एजुकेशन है, इनको साइंटिफिक नॉलेज है, वो प्रोवाइड किया जाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम अंजुमन हमायत इस्लाम को जिक्र करते हैं, जो बेसिकली जो डायरेक्ट इम्पेक्ट था सर सैयद अहमद खान की जो एजुकेशनल सर्विसेज थी, इनसे मुखातब मुतासर हो के तो मियाँ खलीफा हमीदुल्ला ने 24 सितंबर 1884 के अंदर अंजुमन हमायत इस्लाम की बुनियाद रखी, जिसका मकसद क्या था कि मुसलमानों को एजुकेट करना है, ना सिर्फ इनको दीनी जो एजुकेशन है वो देनी है, बल्कि हमने जो दुनियावी या जिसे हम साइंटिफिक या मॉडर्न नॉलेज कह सकते हैं वो भी प्रोवाइड करना था। ये उनका मोटो था। साथ में इन्होंने क्या एक चीज़ और ऐड की, उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर के साथ साथ कल्चरल एडवांसमेंट, जो कल्चरल इश्यूज हैं हमारे, उसको भी हमने जो है बेहतर करना है। तो ये उनकी सर्विसेज थी, एक मोटो था अंजुमन हमायत इस्लाम का इस पर्पज़ के साथ, यानी कि मुसलमानों को रिफॉर्म करने के लिए, इनके अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए, इनको जो जदीद तकाजे थे उसके मुताबिक ढालने के लिए, ये बेसिकली एक एफर्ट थी जो कि सर सैयद अहमद खान की जो सर्विसेज थी उनसे मुतासर होते हुए खलीफा हमीदुल्ला ने ये काम किया। स्टूडेंट्स, इनका तरीकाकार क्या था कि कोई भी पार्टी अंजुमन बनती है तो उसको डेफिनेटली रुपये पैसे की ज़रूरत होती है, चंदे के बगैर ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाती। तो इसके लिए उन्होंने जितने भी बासर या अमीर तबका था, लोगों से चंदा निकालने के लिए एक स्लोगन जो है वो बनाया, जो ये था कि आटा पाच टोरी सदका जान प्यारी दा। ये एक डायलॉग था जिसके तहत उनके जो स्टूडेंट्स होते थे वो घर घर जाके, गली गली जाके ये क्या लेके नारा लगाते थे और जो चंदा इकट्ठा करते थे। स्टूडेंट्स, इस इकबाल के हवाले से बात करें, इकबाल भी अंजुमन हमायत इस्लाम की जो मीटिंग्स थी उसमें भी शामिल होते रहे, और नाला यतीम उन्होंने एक पोइम पढ़ी, और ये अंजुमन हमायत इस्लाम जो इसने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया बहुत से लोगों को, जिसमें अल्लामा इकबाल भी हैं जिन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया, पॉपुलरिटी जो है वो गेन की। तो बहुत से लोगों के साथ साथ अब्दुल कादर जिलानी, सॉरी अब्दुल मिस्टर अब्दुल कादर हैं जिलानी जो है वो, ये हमारे वो 11वीं शरीफ वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये सारे अब्दुल कादर थे। उन्होंने एक मखजन के नाम से रसाला भी जारी किया था, फॉर द रिवाइवल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स। तो अल्लामा इकबाल उसमें भी उससे भी अटैच रहे। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि ये जो अंजुमन हमायत इस्लाम है, बेसिकली इसने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया बहुत से जो नामवर शख्सियात हैं, ताकि वो अपने जो फीलिंग हैं, अपनी जो राइटिंग है, वो खुद को जो है वो एक्सपोज कर सके।
और यही वो लोग थे जिन्होंने जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसमें एक एक्टिव रोल प्ले किया, और साथ साथ जो मुसलमान थे उनको जो है ना एक शऊर पर बेदार करने के लिए, उनको सियासी शऊर देने के लिए जो इन्होंने सर्विसेज दी वो हम वो देख सकते हैं कि वो अंजुमन हमायत इस्लाम की मरहूने मिन्नत है। सो अंजुमन हमायत इस्लाम का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में, लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि लोगों जो लोग हैं वो यूनाइटेड हों। अल्लामा इकबाल अपनी मैसेज देते थे अपनी मुस्लिम उम्मा को इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि तब 19,000 में जो अल्लामा इकबाल थे जितने पॉपुलर नहीं थे, इनकी जो शायरी वो उस लेवल पे नहीं थी जो बाद में थी, और बाद में जो इनका एक्टिव रोल नज़र आता है। तो खैर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म हो गया कि अंजुमन हमायत इस्लाम ने जिसको फॉलो करते हुए एक पॉपुलैरिटी गेन की, उसके बाद अवाम के अंदर जो जड़ें इनकी मजबूत हुई। स्टूडेंट सेकंड वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची। स्टूडेंट ये भी बेसिकली सर सैयद अहमद खान की जो सर्विसेज थी उससे मुतासर होकर ये चीज़ें बेसिकली ये सिंध मदरसतुल इस्लाम बनाया गया था। इट वॉज फाउंडेड ऑन 1 सितंबर 1885 एट कराची बाई हसन अली अफंदी। तो इसको भी डेफिनेटली मुसलमानों की कंडीशन उस वक्त इस हालत में नहीं थे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी भी मूवमेंट को ये उसके जो अखराजात हैं तो वो बर्दाश्त कर सकें। तो इस सिलसिले में जो खैरपुर स्टेट है उसका जो एक मीर था उसने मैक्सिमम इसको फंडिंग की, उन्होंने ऑफर भी की कि अगर किसी अंग्रेज़ को रखना है तो उसको सैलरी जो है वो मैं दूंगा, यानी जो यानी स्टेट ऑफ खैरपुर जो है ना उसको पे करेगी। तो पहला जो ब्रिटिश था प्रिंसिपल उसको ब्रिटिश रखे गए और उनको 12,000 जो है वो सैलरी भी दी जाती थी जो खैरपुर स्टेट पे करती थी। स्टूडेंट्स इनकी अगर बात करें ये बेसिकली तो सर सैयद अहमद खान की क्या लेके सर्विसेज या उनसे मुतासर होकर ये एक मदरसा बनाया गया था, लेकिन इसने क्या किया कि सबसे क्या तो मोहम्मद अली जिना ये इनकी मादरे इल्मी है, यानी इस मदरसे ने इस स्कूल ने सर जो हमें मोहम्मद अली जिन्ना दिया सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला दिया, ये दोनों पॉलिटिशियंस हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से आप सब वाकिफ़ हैं, सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला जो है ये सिंध के अंदर पॉलिटिशियन रहे, इनका काफ़ी क्या लिखे पॉलिटिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन है सिंध की। तो मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ प्रोडक्ट ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम जिसने मुसलमानों की रहनुमाई की। अल्लामा इकबाल के जो ख्वाब था एक सेपरेट होमलैंड का वो इन्होंने शर्मिंदा तबीर किया। और अगर हम बात करें यही इनकी सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़ी सर्विसेज है जिसका हमें फ़ायदा हुआ कि इन्होंने हमें मोहम्मद अली जिन्ना दिया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कॉलेज को 1938 के अंदर इस स्कूल को कॉलेज का दर्जा दे दिया। इसके जो फाउंडेशन है वो खुद कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। और ये देखा जाए तो जो उस वक्त की जो मुसलमानों की एजुकेशनल कंडीशन थी जब पाकिस्तान का वजूद सामने आया मारते वजूद में आया तो उस वक्त कराची के अंदर सिर्फ यही एक मदरसातुल इस्लाम डिग्री कॉलेज था, यानी कि मुसलमानों की जो एजुकेशनल सर्विसेज है एजुकेशनल कंडीशन है ये आप बखूबी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिंध मदरसतुल इस्लाम की जो मेन कह लें कि जो हमें डायरेक्ट फ़ायदा हुआ वो मोहम्मद अली जिन्ना था जिन्होंने मुसलमानों को लीड किया, बड़ा अच्छा केस लड़ा जो कि खुद भी एक वकील थे और यंगेस्ट बैरिस्टर थे। तो इनकी सरकर्दगी में इनकी लीडरशिप में आखिरकार हम पाकिस्तान का जो खिताए ज़मीन है ये हासिल करने में कामयाब हो गए। स्टूडेंट्स इस्लामिया कॉलेज पिशावर ये भी बेसिकली सर सैयद अहमद खान को ही फॉलो करते हुए ये उन्हीं के इम्पैक्ट से उन्हीं को फॉलो करते हुए ये एक सर
सबसे पहले इस्लामिया जो हाई स्कूल पिशावर बनाया गया, लेकिन कुछ इश्यूज थे वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से। तकरीबन आज भी ये बैकवर्ड इलाका है एज कम्पेयर टू पंजाब। तो जब इस्लामिया हाई स्कूल जो है, ये बाबू गुलाम हसन हैदर एंड मियाँ अब्दुल करीम ने इन 1890 के अंदर जो है ना ये बनाया था। बेसिकली इन्होंने सबसे पहले एक अंजुमन बनाई, क्योंकि अंजुमन का कंसेप्ट था मुसलमानों की, सर सैयद अहमद खान की जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी उसका भी इम्पेक्ट था, और उसके बाद उनकी जो सर्विसेज थी लोग जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे थे सर सैयद अहमद खान की, जितनी भी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, सोशल सर्विसेज हैं और पॉलिटिकल सर्विसेज हैं। उन्होंने भी उसी अलीगढ़ की तर्ज पर अपने अपने रीजन के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है वो बिल्ड करना शुरू किया। उनमें से एक ये पेशावर में आ गया। सर स्टूडेंट, सबसे पहले ये हाई स्कूल था, कुछ इश्यूज बने जिस वजह से इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद 1920 के राउंड बाउंड में इसको दोबारा ओपन किया गया, और अब्दुल कयूम खान ने इसके लिए एक मूवमेंट लाई और इसको जो है ना वो कॉलेज का दर्जा दिया। तो अब्दुल कयूम खान को इसलिए जो सर सैयद ऑफ केपी के, यानी सरहदी गांधी भी कहते हैं, सॉरी सरहदी गांधी ये डॉक्टर खान साहब को कहते हैं, और ये अब्दुल कयूम खान को सर सैयद ऑफ सरहद कहा जाता है। यानी कि इसलिए कहा जाता है कि जो काम सर सैयद अहमद खान ने नेशनल लेवल पे ये मेरठ में अलीगढ़ में जो कर रहे थे, वही काम जो अब्दुल कयूम खान है वो केपी के अंदर यानी सरहद के अंदर वो कर रहे थे, इसलिए इनको सर सैयद ऑफ सरहद कहा जाता है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किस तरह किया कि जो स्ट्रगल मूवमेंट में जो लीडरशिप प्रोवाइड की, उनमें से सरदार अब्दुल रब निश्चर थे, ये पंजाब के गवर्नर भी रहते हैं, निश्चर हॉस्पिटल भी है मुल्तान के अंदर इनके नाम से, तो इनकी भी काफ़ी सर्विसेज हैं, ये काफ़ी एक प्रोमिनेंट है स्ट्रगल मूवमेंट में, इनका भी काम है। तो इन्हीं की लीडरशिप का और कंट्रीब्यूशन का नतीजा है कि हम जो एक खित्ता ज़मीन है पाकिस्तान है इसको हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और स्टूडेंट, डॉक्टर खान साहब ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं, इसको मज़ीद सर्च करने की ज़रूरत है। इनका मोटो, इनका जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं ये क्या थे, कि पार्टीशन ऑफ यानी पाकिस्तान बनने के बाद भी इनकी जो पॉलिटिक्स है ये बहुत सी कुछ नेगेटिव नज़र आती है, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं अभी की जा सकती, इस पर मज़ीद सर्च करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम बात कर रहे थे इस्लामिया कॉलेज पेशावर की, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो सर्विसेज थे, जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं या उनकी सोशल और पोलिटिकल है, उनसे मुतासर होके जो इस्लामिया कॉलेज हाई स्कूल, पहले स्कूल बनाया गया फिर कॉलेज बना, उन्होंने जो लीडरशिप प्रोवाइड की उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सरदार अब्दुल रब निश्तर का वजूद है, उनकी जो लीडरशिप है, इससे हमारा ये हमारा मेन कंसर्न है ना। स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं ज़रा। स्टूडेंट, ये सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज ही थी कि लोगों को उन्होंने एजुकेट किया, मॉडर्न एजुकेशन दी, और वो इस काबिल हुए को एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो हैंडल कर सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, उनको लगा कि हम जो है पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान पार्टी के हाकिम नहीं थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो मुसलमान है वो इस काबिल नहीं है कि अभी ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये रन कर पाएंगे। तो उनके डेथ के बाद कुछ मामलात, कुछ इश्यूज ऐसे हुए कि मुसलमान जो है वो इस बात पर सोचने लगे, इस बात पर मजबूर हुए कि उन्होंने जो हमें एक सेपरेट पार्टी की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में उन्होंने शिमला डेपुटेशन है जो 35 मेंबर पर मुश्तमिल था वो भेजा शिमला के अंदर। शिमला बेसिकली कैपिटल रहा है ये, एक जिस तरह हमारा एक मरी है इस तरह एक सर्द इलाका है, तो गर्मियों में जो ब्रिटिश थे ये वहाँ पे चले जाते थे, वहाँ पे स्टे करते थे। तो स्टूडेंट, ये 35 मेंबर्स जो गवर्नर जनरल से मिले, इसके बाल रूम से मिले, बाल रूम में मिले, बाल रूम की एक टर्म है बेसिकली जहाँ पे ये ओपन प्लेस होती है, जहाँ पे ये जो ब्रिटिश हैं या एक पार्टी के लिए जो रूम इस्तेमाल किया जाता है,
जहाँ पे ये डांस वगैरह करते हैं, इनका जो बैले डांस आता है, आई थिंक ये नॉर्मली चीज़ों से एसोसिएट है। खैर मुस्लिम्स लीडर्स जो लीडरशिप थी, 35 मेंबर थे, ये शिमला में मिलते हैं उससे और अपने जो कुछ मामलात हैं, कुछ अपनी डिमांड्स हैं, वो उनके सामने रखते हैं। उनमें से जो सबसे मेन चीज़ थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट था, जिसकी कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर। ब्रिटिश ने 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट को तस्लीम कर लिया। लेटर ऑन कांग्रेस भी इस बात को मानने पे मजबूर होगी कि जो मुसलमान है ये एक सेपरेट कौम है, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट लखनऊ पैक्ट के अंदर उन्होंने तस्लीम कर लिया। और लखनऊ पैक्ट जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में होता है। और मुस्लिम लीग बनाने का मकसद क्या था कि डेफिनेटली मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद इनकी जो पॉलिटिक्स चलती है कांग्रेस के साथ, जो इनके इश्यूज हैं, किस तरह कांग्रेस से फाइट करते हुए इन्होंने एक सेपरेट होमलैंड का जो एक खिताई ज़मीन है जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो हासिल किया। और इसकी जो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रोल डेफिनेटली जो है वो लॉडेबल है। स्टूडेंट्स, वैसे तो सर सैयद अहमद ख़ान की जो सर्विसेज थी, जो इसके इम्पैक्ट पड़े, जो लोग मुतासर हुए वो दक्कन तक भी थे, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर जो मौजूदा पाकिस्तान है उस हवाले से, उस रीजन के अंदर जो जो इंस्टीट्यूशन जिसमें अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर में बनी, इस्लामिया कॉलेज जो पेशावर है उसको मैंने जिक्र किया, ये वो इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको एक मॉडर्न एजुकेशन देना, किस तरह इनको कह लें कि पाकिस्तान के लिए तैयार किया। तो ये मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया। इसके अलावा भी इसके इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन चूंकि कुछ वीडियो की लेंथ का भी इशू होता है, देर आर नंबर ऑफ इशूज, दैट इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस शॉर्ट वीडियो। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो सर्विसेज थी, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, वो एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया जिसने बहुत से लोगों को मुतासर किया, और उन्होंने भी सर सैयद अहमद ख़ान के जो फॉलो करना शुरू किया, उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू किया, और उन्हीं अलीगढ़ की तर्ज पर जो है इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू किए, लोगों को मॉडर्न एजुकेशन देना शुरू की, इंग्लिश को प्रमोट किया, जिसके नतीजे में जो जो इन इंस्टीट्यूशन से हमें लीडरशिप मिलती है, उन्होंने फिर स्ट्रगल मूवमेंट में जो मुस्लिम्स थे जो कि अनएजुकेटेड थे, जिनके पास इतनी कह लें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं था, उनको लीड किया और उनकी रहनुमाई की। और जो खिताए ज़मीन है, जो एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको हासिल करने में कामयाब होते हैं। बिलाशुबा अगर सर सैयद अहमद ख़ान जो एजुकेशनल सर्विसेज, पॉलिटिकल सर्विसेज, यानी सर सैयद अहमद ख़ान की जो पर्सनालिटी हमें वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ना मिलती, तो मुसलमानों का वजूद खतरे में था और आज हम ये इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर हम सांस ना ले रहे होते। और यूनाइटेड इंडिया की बात, तो यूनाइटेड इंडिया यानी मौजूदा जो इंडिया है उसके अंदर भी मुसलमान काफ़ी तादाद में रह रहे हैं, उनकी जो कंडीशन थी, उनके अंदर जो अभी तक उस वहाँ पे जो क्याओस है, तो ये बरकरार रहना था, ये कभी भी नहीं हो सकता था कि जो हिंदू मेजॉरिटी में हमेशा वो जो है मिनॉरिटी को वो कह के अप्रोप्रिएट और मुनासब जो है वो राइट दे देते। उनकी जो मुस्लिम दुश्मनी थी वो तकरीबन सब के सामने अजान थी, और हिंदुज़म की जो हिस्ट्री रही है वो भी उन्होंने दूसरे मज़हब को अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश की है, लेकिन इस्लाम नहीं हुआ। ये कन्फ्लिक्ट था, कन्फ्लिक्ट है और कन्फ्लिक्ट यही रहेगा। सर स्टूडेंट्स, वी मे से कि इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम टू हैव सच पर्सनैलिटीज इन पाकिस्तान राइट नाउ। हमें आज भी
सख्त सैयद अहमद खान जैसे लोगों की ज़रूरत है। हमें फिर से जो उनकी जो क्वालिटीज़ थी सख्त सैयद अहमद खान की, उनकी क्वालिटीज़ वाला बंदा कोई भी हमें जो है इस वक्त, उन जैसे लोग आज भी पाकिस्तान को चाहिए। बस फ्रेंड ये थे कुछ सख्त सैयद अहमद खान की सर्विसेज और उनके इम्पैक्ट्स, स्पेशली जो कि जो करंट पाकिस्तान है उनके ऊपर, इस रीजन के ऊपर के क्या इम्पैक्ट्स पड़े थे, उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया। तो आप फर्दर डिटेल के लिए उनकी हयात जावेद है किताब है, उसको भी पढ़ें जो कि मौलाना अल्ताफ़ सन्हाली ने लिखी। तो स्टूडेंट्स अभी तक की जो इस वीडियो में, अभी इस लेक्चर में जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। आई विल रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चन। सो कोरोना से बच कर रहें, अपने प्यारों को भी बचाएं और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।